हमारी साइकिल भी बोलती है मालिक छोड़ दे मालिक। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, हर हर महादेव। स्वागत आप सभी का रामेश्वरम से, यानी महाकाल की, महादेव की सिटी से। अभी हम हैं रामेश्वरम और हम जा रहे हैं आज आगे कन्याकुमारी के लिए सफ़र करने। अपना स्टार्ट तकरीबन 250 किलोमीटर और बचा है अपना सफ़र, सिर्फ 240 किलोमीटर, 250 भी नहीं है पूरा, सिर्फ ढाई से तीन दिन लगेंगे अपने को सफ़र कंप्लीट करने में। और भाई ये होटल है जहाँ मैं रुका था, रामानाथपुरम, मतलब रामेश्वरम से थोड़ा सा पहले है, 50-60 किलोमीटर। मैं बस बोल नहीं सकता क्या है, मतलब ये देखो लाइट ही नहीं है। पहली बात तो सुबह सुबह, आज सुबह सुबह ही लाइट चलेगी, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। पता नहीं मेरे को ना, या तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन हमारी ज़्यादा हैं, या ये लोग ध्यान ही नहीं रखते इतने पैसे लेने के बाद भी, क्योंकि हज़ार रुपए में होटल अच्छे मिल जाते हैं, पर यहाँ लाइट ही नहीं है, क्या करें। ये देखो अब आई है लाइट, अभी बोलते बोलते लाइट आ गई है, देख लो ये हाल। बस ये कुछ होटल था, एक बेड है, कुछ नहीं है बाकी, इधर टीवी लगा, कुछ नहीं था। मम्मी रहे हैं मॉडल है ना भाई, आप 1000 रुपये किसी से ले रहे हो ना, तो समय वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ वर्थ इट है। ये वर्थ इट नहीं है होटल्स, बस ये है कि हम साइकिल चला के आते थक जाते हैं, तो कोशिश ही नहीं कर पाते हम कि कोई अच्छा होटल ढूंढे। पर ये है कि जो अच्छा नहीं है वो ज़रूर आपको बता देते हैं। रामानाथपुरम में सिटी के अंदर घुसते ही ये होटल है, इसका नाम है वीके कुछ तो वाडेकम, पता नहीं क्या है, वाल्मेचम क्या है, ऐसा कुछ है, बता देंगे। हाँ मैं दिखा दूंगा आपको, बोर्ड दिखा दूंगा जब चलेंगे ना, तो फिर बोर्ड दिखा दूंगा मैं आपको, तो ध्यान रखना कि बेड़ा कर गया मत आना, ठीक है। और अच्छे मिल जाएंगे, आप गाड़ी से या बाइक से आते तो आप ढूंढ सकते हो, है ना। हम साइकिल से आते हारे थके आते तो ढूंढ नहीं पाते, तो अभी बारी अपनी यहाँ से निकलने की। पैक हो चुका है सामान पूरा, ये तो पैक ही रहता है, ये खुलता है सिर्फ इसमें लैपटॉप है क्योंकि, तो ये भी पैक हो चुका है बस, और निकलते हैं भाई अब। तो भाई अपनी दोनों साइकिलें दोबारा से लदने के लिए तैयार हैं, हमारी साइकिल भी बोलती है मालिक छोड़ दे मालिक छोड़ दे, रोती है ये भी इतना चला चुके हैं इनको हम। ये मनोज भाई सुबह सुबह हवा भर रहे हैं, अरे बिना डंडा रखा है इसका, डंडा पता नहीं कहाँ रख दिया, डंडा बैग में पड़ा है, देखो कितना सामान है यार। ये होटल है भाई, देख लो ये होटल है, ये। तो भाई हम निकल चुके हैं अपना रामानाथमपुरम से, और जो डिस्टेंस है वो 242 किलोमीटर है टोटल कन्याकुमारी तक का, तो परसों तक पहुंच ही जाएंगे, परसों 12-1 बजे 2 बजे तक मेरे ख्याल से, अगर वेदर अच्छा रहा और रोड अच्छा रहा तो, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज़ चलती है और हवा बहुत तेज़ धकाती है पीछे ना, क्योंकि कोस्टल एरिया है, पूरा समुंदर है, तो हवा काफ़ी तेज़ आती है। बाकी ये कुछ एरिया है यहाँ का, ये थिएटर है अपने लेफ्ट साइड में, जो ये थिएटर है, और ये सामने ही इधर बस स्टैंड है, आपने कल वाली वीडियो में देखा ही होगा जो हुआ। तो भाई हम आ गए सिटी से बाहर रामनाथपुरम से, और ये आ गया अछूतल वायल, पता नहीं क्या यार, इतना बड़ा बड़ा वर्ड है ना, पढ़ने में भी डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि हम तमिल तो जानते नहीं। और हाईवे पे आ गए, ये हाईवे है यहाँ का, हवा बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है हवा हमारी हमारी तरफ की ज़्यादा, पता नहीं क्या ही चक्कर है भाई, हवा क्यों नहीं, ये देखो हवा क्यों नहीं पीछा छोड़ती हमारा, समझ नहीं आ रहा। थोड़ी बहुत देर तो सपोर्ट भी करना चाहिए हवा को, हमेशा अगेंस्ट ही चलती रहती है। तो भाई अपने साथ में चल रहे हैं ना, ये प्रॉपर विलेज है तमिलनाडु का, बिल्कुल प्रॉपर ठेठ विलेज, क्योंकि हम इतने अंदर आ चुके हैं तमिलनाडु में, हाईवे पे थे वहाँ से गूगल ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट, और
अब बिल्कुल विलेजेस एरिया में हम घूम रहे हैं, बिल्कुल विलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब ये लगा लो, ये देखो बिल्कुल टीन छपरे के घर हैं, बिल्कुल अलग तरीके के। और ये सामने मिट्टी लेके आ रहे हैं, जैसे ऐसे ही पानी भी लेके आते हैं लोग यहाँ पे ना। ये देखो मिट्टी लाने का जुगाड़। ये मिट्टी लेके जा रहे हैं ऐसे ही पानी, क्योंकि बड़ा ट्राइबल सा एरिया है, कोई शॉप नहीं है, कोई पंप नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ट्राइब सा है। अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, बहुत शांत है, साफ है, मेन वो भी साफ सुथरा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल प्रॉपर विलेज है ये। भाई हम चल चुके हैं 18 से 20 किलोमीटर के करीब, और जहाँ हम चल रहे हैं ना अभी, ये तमिलनाडु के बिल्कुल विलेजेस हैं, बिल्कुल रिमोट एरिया है। मतलब आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है, कोई शॉप नहीं मिल रही है खाने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है, बस हल्की फुल्की छोटी छोटी जो गांव की दुकानें होती है ना वही है। अभी ये भी नहीं पता कि हाईवे कितने देर बाद आने वाला है और हम कहाँ तक पहुँचने वाले ऐसे रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता है बिल्कुल सिंगल रोड, छोटा विलेज का रोड। भाई साहब बहुत परेशानी है ऐसे, बस आज एक ही शांति है अभी तक कि धूप नहीं आई है, बादल हो रखे हैं आज, धूप नहीं आई, पर हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे, क्योंकि पूरा खुला एरिया है। ये देखो पूरा खुला है, कुछ नहीं है आसपास में दूर दूर तक। उधर पीछे मनोज भाई बैठ गए, बोले कि मेरे से नहीं जाया जा रहा, अब बैठूँगा मैं, क्योंकि 18-20 किलोमीटर के बाद रेस्ट तो चाहिए। खैर मैं बोल रहा था कि 2 किलोमीटर बाद रोड चेंज होगा, तो वहाँ चल के देखते हैं अगर कुछ खाने का मिल जाए तो। तो चलो भाई और देखते हैं, और आप वीडियो देख ही रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई ये एक देख लो, हम ये देख रहे थे कि दुकान आए कोई और कुछ तो आया नहीं, चर्च आ गई एक। मतलब इतने सुनसान एरिया में चर्च का क्या काम, कुछ है ही नहीं जब आस पास में। इधर भी देखोगे तो एक ये स्कूल सा दिख रहा है, कुछ और कुछ दिख ही नहीं रहा आस पास यार, सब कुछ सूखा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के रेतीले एरिए में आ रखे हम, इतना सुनसान है ये सब कुछ। भाई गजब हो रखा, चाय पानी कुछ नहीं मिल रहा आज तो हमें, क्या करे, चाय पानी कुछ नहीं मिल रहा आज तो, कर भी क्या सकते हैं, खा के फंस गए रिमोट में रिमोट बन गया आज तो हमारा। आप लोग एक बात सोच के देखो, ये जो माता जी है ना, देखो ये पानी कहाँ से भर रहे हैं, यहाँ पे ना बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है, देखो ये बराबर नहीं है अपने। भाई ये पानी भर के ले जा रहे हैं ये लोग, ये पानी यूज करते हैं ये लोग यार। भाई क्या है, इतनी किल्लत है क्या पानी की, कुछ नहीं है भाई यहाँ, हद होगी यार तमिलनाडु में तो, कुएं भी नहीं है और तो बारिश का पानी यूज कर रहे हैं लोग यार। ये आ गया इथम बादल, अपना रह गया 215 किलोमीटर अब, बिल्कुल ठेठ है, बिल्कुल ठेठ तमिलनाडु, तमिल है ये। भाई साहब एक दुकान दिक तो रही है ये सामने चाय की, वो खुली खुली हो बस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अरे भाई साहब ये भी बंद है क्या, ओ भाई ये भी बंद है यार, क्या है, कुछ तो मिले भाई, पानी तो मिले कम से कम पीने का यार, पानी भी नहीं है यार। इतना चलने के बाद, सब कुछ ढूंढने के बाद ये मिला है, और मनोज भाई को ये मिला है। भाई साहब कुछ नहीं है, इतना सुनसान है, इतना वीरान है ना सब कुछ, बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत मुश्किल में हो आप, क्योंकि अंधेरा हो गया तो फंस गए, दिन है तो कुछ खाने को नहीं है, और है तो नॉन वेज है, हम वेज वाले हैं तो कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई चाय पी के और
निकल चुके हैं अपना वापस से रोड पे ही। मैं उनसे पूछ रहा था कि आगे ऐसा ही रोड है क्या सुनसान, वो बोले ऐसा ही मिलेगा रोड तो पूरा, थोड़ी थोड़ी दूर पे कुछ मिलेगा आपको। अभी ये छोटा सा शहर सा है ये आया था, तो यहीं पे हमने चाय ब्रेड खा ली और पानी भरा भाई, वहीं पे होटल से ही पानी भर लिया यार। बड़ी परेशानी है। ठीक है, अब लास्ट स्टेज पे है अपना ट्रिप है जो, अभी तो सिर्फ ये लगा लो। अरे भाई कन्याकुमारी फ्रॉम दिल्ली, तो अभी तो सिर्फ ये लगा लो, 1% ही बचा है। अब तो अपने ट्रिप का एक ही तकरीबन 6-7% बचा है, तो ये करना ही है। बाकी आगे की जो व्यवस्था है वो मैं आपको कन्याकुमारी पहुंच के बताऊंगा पूरी सिचुएशन क्या है। तो चलते हैं भाई। अब देख लो भाई, दोबारा से वही काम हो गया। अभी पीछे एक शहर आया था, अब तकरीबन 10 किलोमीटर चल चुका हूँ, फिर सुनसान रोड चल रहा है। अब आगे पता नहीं कितने किलोमीटर बाद क्या आएगा। एक बोर्ड तो आया पेट्रोल पंप का, ये नहीं पता कितने किलोमीटर बाद दिखा रहा है, देखते हैं। रुको, 4 किलोमीटर बाद है पेट्रोल पंप भी। बताओ क्या ही करें इंसान ऐसे रोड पे, भाई साहब को फंस जाए ना तो जी लिगड़ जाए यहाँ, इतना भयानक है। ये मिली है लस्सी भाई, देखो आची आची बटर मिल्क। देख लो पहले ट्राई करके कैसा है। हाँ, वही तो। बाय बाय बाय, देख लो भाई लोंडे सारे। बाय 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 बाय। लस्सी लेने के लिए रुक गए थे तो लस्सी मिल गई, 5-5 रुपए की थी, तो हमने बोतलें भर ली। अब गर्मी लगेगी तभी पी लेंगे, गर्मी का सही जुगाड़ मिल गया आज हमें। मेरे को लग रहा है भाई जहाँ हम चल रहे हैं बर्ड सेंचुरी है या फिर कोई वो है जंगल फॉरेस्ट। तो हर बोर्ड पे अलग अलग पक्षी की फोटोज बनी हुई है, ये देखो जितने भी पक्षी आएंगे ना अभी ये बोर्ड आएंगे उनके सब पे अलग अलग फोटोज हैं। ये देखो इस पे भी है, आगे एक और है उस पे भी है, बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल ये वर्ल्ड सेंचुरी है। तो भाई हमारा सफ़र है जो वो तकरीबन 190 किलोमीटर का और है, और मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। हवा थोड़ी सी ठीक है, धूप तो है ही नहीं, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि गर्मी होने के बाद भी धूप नहीं है। और वो पंजाब की गाड़ी गई मर्सिडीज, ऐसा कुछ व्यू है दूर दूर तक, खाली सुनसान। और ये खाना है मेरे को, अरमा मनोज भाई को कह रहा हूँ ये खिलाओ, आइस एप्पल। अगर आपने देखा हो तो इसको ताड़ बोलते हैं, ताड़ हमारे गांव में ताड़ी बोलते हैं, और इसको मतलब जो अंदर रहता है वो ताड़फुल बोलते हैं। हाँ मतलब वो तीन जेली टाइप से होते हैं जो पत्ते में डाल के देते हैं, वो खाना है मेरे को भी। तो मैं ढूंढूंगा अभी, मेरे को अब पता लग गया ये कि कहाँ बिकेगा तो खाऊंगा। तो भाई तकरीबन 15 किलोमीटर बाद एक और शहर, अब नाम नहीं पता नाम क्या है इसका, क्योंकि सब कुछ वही तमिल में लिखा हुआ है तो हमें तो पता भी नहीं लगता ना। अगर किसी को समझ में आ रहा है कि कहाँ हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कहाँ हूँ। तो भाई मनोज भाई पीछे रह गया थोड़ा सा, वो पीछे रेस्ट करने लगे, मैं आगे आ गया, मैंने देख नहीं पाया, तो अभी वेट कर रहा हूँ भाई का भी। मैं ज़्यादा आगे आ गया एक्चुअली, वो पीछे रह गए। और पीछे एक राजस्थानी भाई भी मिल गए थे भाई, यहाँ भी जो मिल रहे हैं वो राजस्थान के हरियाणा के जो अपने उधर के नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो ही मिलने आते हैं, यहाँ के लोग नहीं आता कोई, या तो लैंग्वेज बैरियर है या फिर पता नहीं क्या चक्कर है। बट ठीक है, 180 किलोमीटर अभी बाकी है, परसों ही पहुँच पाएंगे वैसे तो, पर गर्मी होगी धूप होगी बहुत तेज़।
तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा मौज भाई आ जाए और फिर निकलते हैं आगे। तो भाई ये फ़र्क है नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। अगर आपको नॉर्थ इंडिया में रेस्ट करना है तो आपको बहुत सारे ढाबे, रेस्टोरेंट और काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अभी हम तमिलनाडु में कन्याकुमारी से तकरीबन 170 किलोमीटर पीछे हैं अभी। अब हम रेस्ट कर रहे थे यहाँ बैठ के, एक शॉप थी एक पेड़ के नीचे बैठ के। तो ये थोड़ा सा है कि कम रिसोर्सेज हैं, क्योंकि एक तो हम बिल्कुल लास्ट में हैं इंडिया के ऑलमोस्ट, है ना, ये भी फ़र्क है। बाकी चल रहे हैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठ के, तो धूप आ गई काफ़ी तेज़ और 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सोच रहे 30-40 किलोमीटर और निकल जाए, तो क्योंकि तकरीबन 70 किलोमीटर आ चुके हैं, तो निकलते हैं और सफ़र पे चलते हैं साथ में। ये जो आप देख रहे हो ये कोई नदी नहीं है भाई, ये देखो ये समुंदर का पानी क्रॉस हो रहा है। मैं दिखाऊं, दिखेगा इसमें दिखेगा नहीं, ये यहाँ से समुंदर का पानी क्रॉस हो रहा है, ये हमारे बिल्कुल बराबर में समुंदर है और हम चल रहे हैं समुंदर के बराबर में बिल्कुल। गर्मी बहुत लग रही है समुंदर के चक्कर में ना, और हवा बहुत तेज चलती है समुंदर से, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप समुंदर के बाजू में चल रहे हो तो बहुत हवा आएगी और साइकिल पे हो तो आप परेशान हो जाओगे। तो यही दुख है एक समुंदर का, नहीं तो गर्मी तो है ही, घर पूरे गीले हो जाते हैं हम। बहुत गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ह्यूमिड है भाई। ये देखो भाई जो नमक हम सब खाते हैं आप लोग, वो समुंदर से तो आता ही है, ये ट्रक भरा खड़ा है नमक का, दिखाता हूँ आपको। ये देखो पूरा लदा खड़ा है ट्रक, देखना कितना नमक है, पूरा वाइट बिल्कुल। अरे देखो भाई क्या सुंदर लग रहा है ये, कितनी सारी विंड मिल्स हैं यहाँ पर, जूम करूँ ये देखो, देखना उधर भी उधर भी, जहाँ तक नजर जाएगी विंड मिल्स हैं ये। क्या जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सिस्टम है ये हवा से, हवा तो कर बहुत तेज है। अभी देखो आप कपड़े भी उड़ रहे हैं, बहुत तेज हवा चल रही है, साइकिल आगे नहीं चला पा रहे। देखो पेड़ पौधे कितने तेज हिल रहे हैं, देखो बहुत तेज हवा है, लेकिन ये देख के दिल खुश हो गया। भाई जब से निकले हैं ना सुबह से ही बिल्कुल रोड ऐसा ही है, ये देखो सुनसान सब कुछ, कुछ नहीं है, छोटे छोटे गांव आते हैं ना, वहाँ चाय मिलती ना पानी मिलता, कुछ नहीं, इतना सन्नाटा है यहाँ, क्या यार कहाँ फंस गया आके, इतना रिमोट एरिया है ये तो। और अब वैसे भी सनसेट होने वाला है, तो जल्दी से इस हाईवे से निकलना पड़ेगा हमको। भाई जैसे पहाड़ों में बर्फ़ होती है ना, रोड के सारे साथ साथ में, या नमक है साथ साथ में रोड के, ये पूरा नमक पड़ा है क्योंकि समुंदर है ना साथ में, तो उड़ उड़ के नमक पानी का यहाँ पड़ा हुआ है। देख ये देख सामने भी गाड़ी गई, ट्रक, ये भी नमक का, इतना भयानक सीन है यहाँ का, मतलब हवा में भी नमक है यहाँ। तो भाई आज का सफ़र है जो अपना वो यहीं ख़त्म होता है। हम आ तो गए थे काफ़ी पहले, खाना पीना भी करिए, टेंट भी लगा लिए आज तो, ये देखो दोनों टेंट अपने। और अब हमारे जहाँ से हम हैं यहाँ से 145 किलोमीटर बचा है कन्याकुमारी, तो ऑलमोस्ट परसों दोपहर तक पहुँच ही जाएंगे हम, है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जिन बच्चों की मदद के लिए मैं निकला हूँ उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा करा सकता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। जय श्री राम। हर हर महादेव।